हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ वीके टेक टीम में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 है उसके अंदर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेक्शन है उसके बारे में। सिंपली आप देख सकते हैं ऊपर के सेक्शन में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिंपली हम अलाउ पे करते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग पे करते हैं। देख सकते हैं आपका जो साउंड का पूछेगा, आपको कौन सा साउंड चाहिए, मीडिया का साउंड चाहिए या माइक का साउंड। तो माइक का साउंड तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हम अपना खुद का माइक इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपली हमने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है मीडिया का साउंड करके। देख सकते हैं तीन के बाद आपका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, साइड में आपके टैब में दिखाई देने लगा। इधर पे पेंसिल का ऑप्शन, मैं पेंसिल का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं मैं सर्कल भी बना सकता हूँ, कोई भी सर्कल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी सेटिंग के बारे में। ऑप्शन में सेटिंग के ऑप्शन में सिंपली आने के बाद आपको कहाँ पे आना है, स्क्रॉल करना है और फिर जो एडवांस फीचर्स का ऑप्शन है इसके अंदर आ जाना है। एडवांस फीचर्स के अंदर आने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का दिया गया है। तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर आप जो अपनी स्क्रीन है उसकी उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं चलिए रेड कलर में दिखा देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप अगर आप चाहें तो साइड से ये दो बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो ऑटोमेटिक है, आपकी जो स्क्रीन है उसकी जो है फोटो क्लिक हो जाएगी। तो माफी चाहते हैं, हमारा जो है फोन हो गया है बंद। तो उसके बाद फिर देख सकते हैं कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये वाला सेक्शन है। बाकी मैं फिर से एक बार और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लेता हूँ और देख लेते हैं। सिंपली बताने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है इसमें जो पेंसिल का टूल है इसके माध्यम से, देख सकते हैं। इसके बाद फिर ये वाला स्टेट बार का जो सेक्शन दिया गया है ये हैगा। फिर डिलीट स्क्रीन शेयर, कोई सी भी फोटो जो स्क्रीनशॉट है उसे आपने कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद अगर आप शेयर करने और डिलीट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप कर सकते हैं इनेबल, ठीक है। फिर ये फॉर्मेट आपको दिया गया है JPG और आपको ये वाला जो फॉर्मेट का सेक्शन आपको दिया गया। अब जैसे मैंने दो फॉर्मेट में है, अब दो फॉर्मेट में तो मुझे JPG में चाहिए या PNG में चाहिए, तो मैं किसी भी फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब सिंपली हम आ जाते हैं हमारे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेक्शन है। सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेक्शन के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, पूरे के पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर दो ऑप्शन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तो हमें जो पहला ऑप्शन मिलता है वो होता है हमारा साउंड का। तो साउंड का ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसमें दो तरह के तीन प्रकार के होते हैं, नो साउंड, कोई भी साउंड नहीं आया, फिर मीडिया साउंड, जो हमारे जो फोन का साउंड है वो, फिर दूसरा है मीडिया साउंड एंड माइक साउंड। तो ये तीसरा वाला जो है मीडिया और माइक साउंड, इसमें मीडिया हमारा जो फोन का साउंड भी आ जाएगा, माइक का साउंड भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने तो मीडिया साउंड सिलेक्ट करा, आपको जो सिलेक्ट करना आप वो कर सकते हैं। फिर सिंपली वीडियो क्वालिटी पे आ जाते हैं। तो देख सकते हैं इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो है तीन भाग में। तो पहला जो है वो लो है, जो है 1480p में, दूसरा जो है वो है मीडियम, जो है आपका 720 में, और तीसरा जो है सबसे हाईएस्ट है वो है 1080 पे। तो आप 1080 जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, 720, आप उसके हिसाब से जो रिकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग के कुछ एग्जांपल वो मैं आपको अभी साइड में थोड़ा सा दिखा भी दूंगा। अभी आपके स्क्रीन पे जो चलने वाला है वो इसके एग्जांपल ही चलने वाले हैं, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आप जो अब देख रहे हैं वो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये है हमारा जो सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 जो है, इसकी सैमसंग गैलेक्सी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है। और इसमें आपको जो पिन पॉइंट मिलता है, आप किसी भी की चीज़ को सर्कल कर सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कल बनता हुआ और कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से जो है आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ को लेबल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने देख सकते हैं ये पूरे एरिए को स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेबल कर दिया। अब मैं पूरे के पूरे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेक्शन है इसे भी एक लेबल में लेके आ सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लेबलिंग करके अच्छे से समझा सकते हैं किसी भी टॉपिक को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।